नमस्कार, हमारे साथ अक्षत चोरड़िया जी हैं। आज हम सीआईए के ऑफिस में हैं और जानते हैं आज जो बजट आया है वो कितना बेहतर है, किस तरह से उसे रैंकिंग दी जाना चाहिए और कौन सी उसमें कमियां रह गई। स्वागत है आपका अक्षत जी। नमस्कार। बजट के सेशन में आज आपने पूरा बजट का एनालिसिस करा। सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा, इस बजट में कौन सी चीजें आपको सबसे बेहतर लगी? देखिए, मैं इसे कहूंगा यूथ ओरिएंटेड बजट। भारत की सबसे ज्यादा संख्या जो है, डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसे कहा जाता है, वो यंग पॉपुलेशन दुनिया में भारत में है। तो यूथ की दो चीजें सरकार ने एड्रेस की हैं, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट स्किलिंग के जरिए सरकार ने एड्रेस किया है, और एजुकेशन जो है उसको हायर एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट सब्सिडी दी है और डोमेस्टिक एजुकेशन को प्रमोट किया है। तो सरकार चाहती है कि आप पढ़ें, और पढ़ने के बाद भी सरकार आपके रोजगार के लिए आपको और स्किलिंग प्रोवाइड कर रही है और कंपनीज को इंसेंटिव दे रही है कि आप यूथ को फॉर्मल मेन स्ट्रीम जॉब में लेकर आए और उन्हें आगे बढ़ाए। अच्छा, कौन सी एक्सपेक्टेशन आपको लगता है और भी थी जो हो नहीं पाई? देखिए, इच्छाएं तो कभी खत्म नहीं होती, तो हम तो हमेशा ये चाहेंगे कि टैक्स सरकार कम करती जाए, लेकिन ठीक है, सरकार को काफी चीजों का सामंजस्य बिठाना होता है क्योंकि भारत एक बढ़ता हुआ देश है और हमारी कई जगह जरूरतें भी हैं। तो कौन सा ऐसा आपका सजेशन है जो आप ये बताना चाहें कि गवर्नमेंट को अभी से काम कर देना चाहिए नेक्स्ट बजट के लिए? देखिए, सरकार फिस्कल डेफिसिट उन्होंने अगले साल का भी टारगेट दे दिया है 4.5%, इस साल 4.9% है। तो जैसे जैसे सरकार फिस्कल डेफिसिट अपना कम करेगी वो देश के लिए बेहतर रहेगा। ओवरऑल बजट को आप कितना 10 में से रेट देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो बहुत इसे विकासोन्मुखी बजट मान रहा हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर, यूथ, एग्रीकल्चर और इन सब पे सरकार ने फोकस किया है, तो मैं इस बजट को 10 में से 9 तो बिल्कुल दूंगा। और जो एक कम है वो ये है कि हमारी इच्छाएं खत्म नहीं होती हैं। साथ में आज इंदौर सीआईआई के सारे वरिष्ठ सदस्य हैं और हम जानते हैं कि आज जो भारत सरकार ने बजट जारी किया है, किन किन मायनों में वो बेहतर, कमियां रह गई और क्या उनमें किया जाना चाहिए भविष्य के लिए। सर, स्वागत है आपका अमर उजाला में। पहला क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि वो चीजों पर प्रकाश डालिए जो आपको लगता है कि इस बार के बजट में सबसे बेस्ट थी। सबसे बेस्ट मुझे लगा कि एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग के ऊपर, रोजगार के ऊपर जो फोकस किया गया है, मेरे ख्याल से वो अति उत्तम है, अति जरूरी है हमारे देश के लिए। जब हमारे इतने युवा आज बेरोजगार है, और उसके लिए मुझे सरकार को धन्यवाद देना आवश्यकता मुझे लगती है। सर, कौन सी ऐसी एक्सपेक्टेशंस थी जो आपको लग रहा था कि इस बार पूरी होना चाहिए, वो नहीं हो पाई? मेरे ख्याल से मेरी एक्सपेक्टेशंस तो पूरी हुई रोजगार को लेकर के, बाकी सब चीजें ठीक है। लेकिन आज जो मैंने कहा, जैसे कि युवा जो आज रोजगार की तलाश में है, अगर उनको रोजगार मिल जाएगा तो मेरी एक्सपेक्टेशन सारी पूरी हो जाएगी। अच्छा, और कौन से पॉइंट्स आपको लगता है अभी बचते हैं जिन पर नेक्स्ट ईयर के लिए अभी से काम गवर्नमेंट को करना चाहिए? जो एक काम गवर्नमेंट ने, मैडम ने बोला भी है, फाइनेंस मिनिस्टर ने इनकम टैक्स जो कोड है उसको वो फिर से एक बार देखेंगे, उसको नया प्रारूप देंगे। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को उसके ऊपर फोकस करके जल्दी से जल्दी उसको लाना चाहिए, ताकि जो इनकम टैक्स है वो सरल हो और ज्यादा से ज्यादा लोग इनकम टैक्स दे सके, एक ब्रॉड बेस्ड इकोनॉमी बन सके। मेरे ख्याल से वो सरकार को अभी फोकस करना चाहिए। अलग अलग कैटेगरीज पे बजट को हमेशा परखा जाता है, युवाओं के लिए, खेती के लिए, आईटी के लिए, स्टार्टअप के लिए। आपको ओवरऑल ये बजट कितना बेहतर लगा? मुझे ये बजट काफी अच्छा लगा, मैं इसको 10 में से 9 नंबर दूंगा। मुझे काफी अच्छा लगा, रोजगार के लिए, आईटी के लिए, स्टार्टअप्स के लिए जो एंजल टैक्स उन्होंने हटाया, एग्रीकल्चर के लिए, कृषि के लिए जो उन्होंने रिसर्च के लिए प्रावधान रखे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, बिहार के लिए, और अगेन ये कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन बिहार बहुत पिछड़ा हुआ प्रदेश है बाकी प्रदेशों के कंपैरिजन में, और वहाँ पे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो सभी को फायदा होगा। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल बजट काफी अच्छा है। मोदी सरकार की तीसरी पारी का ये पहला बजट है और बहुत सारी उम्मीदें हमें निश्चित रूप से थी कि साहब ये अगले 5 सालों का रोड मैप शायद इस बजट के हमें मिलेगा, और वो रोड मैप तो मिला है। और जो खास बात मुझे लग रही है कि बजट में जो
कोर इश्यूज हैं इकोनॉमी के, जो फंडामेंटल ग्राउंड रियलिटीज हैं, उन पे वित्त मंत्री ने ध्यान बकायदा दिया है। एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम जो है वो पिछले कई समय से हम महसूस कर रहे हैं, इसलिए अब की बार एक एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम उन्होंने अनाउंस की है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए। सर्विस सेक्टर को भी इसका बेनिफिट मिलेगा, जो फॉर्मल सेक्टर के एम्प्लॉयज हैं उनको बेनिफिट दिया जाएगा। कस्टम्स ड्यूटीज में जो जो इंडिया के सेक्टर्स को जहां पे मदद की जरूरत है वहां पे कस्टम ड्यूटीज में निश्चित रूप से काफी अच्छे बदलाव हैं। और मैं चूंकि मेनली इनकम टैक्स का व्यक्ति हूं तो इनकम टैक्स में मैं देख रहा हूं कि सब बहुत सारे प्रोसीजरल चेंजेस हैं जो कि एक आम करदाता को, सामान्य व्यवसायी को मदद पहुंचाने के उद्देश्य से लाए गए हैं। बहुत सारा सिंप्लीफिकेशन टैक्स रेट में हुआ है। सर, कौन सी एक्सपेक्टेशंस थी जो पूरी नहीं हो पाई? बजट से एक्सपेक्टेशन तो हमेशा बहुत सारी होती है। ऐसा हमेशा लगता है कि भाई वित्त मंत्री बिल्कुल कोई टोपी से खरगोश जैसा निकालेंगे और हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, तो वैसा तो नॉर्मली होता नहीं है। पर हाँ, फिर भी एक जो लग रहा था कि जैसे स्टॉक मार्केट की अगर बात करें तो ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस डेरिवेटिव सेगमेंट में बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन हो रहा है। जिन लोगों को इस मार्केट की समझ नहीं है वो भी अनजाने में इसमें पैसा लगा रहे हैं, जिसके बड़े दुष्परिणाम भविष्य में हो सकते हैं। कुछ कोशिश जरूर की है मैडम ने उस पे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को थोड़ा बढ़ा के, तो मुझे लगता है वो फिर भी कम है। ग्राउंड रियलिटी इस पे जिस तरह का स्पेकुलेशन उस मार्केट में चल रहा है, तो कुछ और सख्त कड़े कदम उठाने की जरूरत थी, जो पता नहीं क्यों पर उस दिशा में ज्यादा प्रयास नहीं हुआ है। सर, लास्ट क्वेश्चन, कुछ ऐसी चीजें जो आपको लगता है कि अगले साल तक जरूर सरकार को करना चाहिए जो अभी भारत के परिदृश्य में जरूरी है? बहुत जल्द वाला जो मामला है, इतने सारे कंप्लायंसेस, इतने सारे बर्डन इंडस्ट्रीज के ऊपर है। बड़ी इंडस्ट्रीज तो फिर भी वो मैनेज कर लेती हैं, पर एक एसएमई लेवल पे उन सारी कंप्लायंसेस को हैंडल कर पाना बहुत मुश्किल होता है। उसके साथ में फिर हर कंप्लायंस के साथ में इतनी हैवी पेनल्टीज जोड़ी जा चुकी हैं कि वो कई बार बहुत बहुत परेशानी देता है, बहुत नाराजगी व्यक्त करता है। गलतियां हो सकती हैं, पर सरकार को ऐसा मैकेनिज्म लाना चाहिए कि भाई जो गलती एक एक अनजाने में हुई है और जो जानबूझ के की गई है उसमें कहीं ना कहीं फर्क हो। कंप्लायंस बर्डन को कम किया जाना बहुत जरूरी है। एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेके कोई एक कॉम्प्रेहेंसिव गवर्नमेंट लेवल पे एनालिसिस होना चाहिए कि सब कुल मिला के कितना कंप्लायंस बर्डन है और उसको कैसे कम किया जा सके, वो बहुत जरूरी है। तो डफरिया सर ने हमें बहुत स्पष्ट रूप से बताया बजट में क्या अच्छा था, क्या कमियां थी और किन चीजों पे फोकस किया जाना चाहिए। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।